मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं आपको नाटक एकांकी रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य आपको मैं करवा रही हूँ। पहला प्रश्न है हमारा इसमें कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है। वो इस नाटक में गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप अपने समय की तुलना कर रहे हैं कि एक हमारा समय था, हम ऐसे नहाते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे स्वस्थ रहते थे, हमारे समय में तो कोई लड़कियों को नहीं पढ़ाता था। इस तरह पूरा पहले समय की तुलना आज के समय से करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि समय हमेशा गतिमान है, परिवर्तित होता है। समय के साथ परिवर्तनशील होना ही हर व्यक्ति का धर्म है। प्रकृति भी पल पल बदल रही है, हर चीज जो अपने आप को बदलती नहीं है, अपडेट नहीं करती है, वह पुरानी हो जाती है और अस्वीकृत हो जाती है। समाज में पुराने सड़े गले बेकार विचारों को हमें छोड़कर नई परंपराओं और नए विचारों को स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना और विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। रामस्वरूप जो है अपनी पुत्री को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं बीए तक, लेकिन विवाह के समय उसकी शिक्षा को छिपाते हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरी लड़की तो हाई स्कूल पास है, मैट्रिक पास है। ऐसा क्यों है? ऐसा यह उनकी विवशता दिखाता है कि उस समय समाज में लड़कियों को बहुत अधिक पढ़ाया लिखाया जाना स्वीकृत नहीं होता था, उनके विवाह में दिक्कतें आती थी, इसलिए वो विवाह के समय उसकी शिक्षा को छिपाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह मेरी बेटी का विवाह हो जाए। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वह उचित है और नहीं है तो क्यों नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता लेकर रामस्वरूप अपनी बेटी से चाहते हैं कि वो चुप रहे, अपनी शिक्षा को छिपाए, चुपचाप आकर बैठे, अपने बारे में थोड़ा बताए, जो पूछे वो बताती रहे और विवाह के लिए तैयार हो जाए। ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि लड़की वास्तविक में जैसी है वैसी ही हमें स्वीकार करनी चाहिए, उसकी वास्तविकता हमें रखनी चाहिए। जीवन जो है, विवाह पूरे जीवन का बंधन है, उसे हमें किसी ढक्कर छिपाव के द्वारा या किसी पर्दे में रखकर उसमें हमें नहीं बंधना चाहिए। रामस्वरूप जैसे चाहते हैं अपनी बेटी से कि ऐसे आओ, वैसे बैठना, ऐसे करना, जो वो कहे वो बताना, वो भी ठीक नहीं है। लड़कियों का इस तरह से कोई नुमाइश की चीज बनाना लड़कियों को बिल्कुल सही नहीं है। अगला है प्रश्न, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं, क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। जी, रामस्वरूप बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं, ये गलत, ये भी अपराध हुआ। और गोपाल प्रसाद क्या करते हैं? गोपाल प्रसाद विवाह में दहेज चाहते हैं और चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी ना हो, वो विवाह को एक बिजनेस की तरह मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जरा बिजनेस की बातें हो जाए, जब आपस में बातें कर रहे हैं वो उमा के आने से पहले, कैसी बातें, बिजनेस यानी कि क्या आप दहेज में देंगे, क्या क्या सामान देंगे, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। इस तरह समाज की कुरीति को बढ़ाने में, समाज की रूढ़िवादिताओं को आगे बढ़ाने में दोनों ही सहायक हैं, दोनों ही अपराधी हैं, दोनों ही समाज की कुरीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपने लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इसकी इस कथन से शंकर की किन कमियों को और संकेत करती है? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की चरित्रहीनता की ओर संकेत करती है कि उसमें चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है, वह कितना आवारा टाइप का लड़का है जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मतलब समाज में आज उमा जैसी लड़की चाहिए या शंकर जैसा लड़का? नहीं, आज समाज में शंकर जैसा लड़का नहीं, बल्कि उमा जैसी लड़की की जरूरत है। उमा जैसी लड़कियां जो आगे बढ़ें, समाज में पढ़ें, लिखें, अपनी बात को मुखरता से, प्रखरता से कह सकें, अपने मन के भाव को व्यक्त कर सकें और उन कुरीतियों के खिलाफ खड़े होकर बोल सकें, आज ऐसी लड़कियों की समाज में आवश्यकता है।
एकांकी कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर हम एकांकी का मुख्य पात्र उमा को मानते हैं। मुख्य पात्र क्या होता है? जो उस पूरे प्रकरण में मुख्य पात्र वो होता है जो शिक्षा देता है, जो सही कार्य करता है। तो इस पूरे नाटक में उमा सही कार्य कर रही है, समाज को एक शिक्षा दे रही है, समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पर हमारी मुख्य पात्रा उमा ही होगी। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक अपने आप में पूर्णतया सार्थक हुआ है। कैसे? क्योंकि आज के युवा समाज की रीढ़ है और युवाओं का चरित्र युवाओं की रीढ़ है। यदि युवा चरित्रहीन है तो फिर समाज भी चरित्रहीन होगा, यानी समाज का कोई चरित्र ही नहीं होगा, समाज में भ्रष्टाचार कुरीतियां व्याप्त हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस तरह समाज में कि समाज की रीढ़ आज के युवा कैसे होने चाहिए, इसको लेकर इसका शीर्षक रीढ़ की हड्डी रखा गया है, जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। अलग अलग लिखनी है, रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषता लिखनी है, जैसे कि वह स्त्री शिक्षा का पक्षधर है, समाज की कुरीतियों से डरता है, आज अपनी पुत्री से प्रेम करता है, अच्छे विवाह के लिए प्रयास करता है, लेकिन चुप रहता है, सिर झुकाकर समाज की बुराइयों को स्वीकार करता है। गोपाल प्रसाद के चरित्र में हम क्या क्या लिखेंगे कि यह दहेज के लोभी व्यक्ति है, स्त्रियों और लड़के और लड़कियों में बहुत भेदभाव करता है, स्त्री शिक्षा का विरोधी है, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता, पुरुषों को हमेशा श्रेष्ठ मानता है, दहेज का लालची है, विवाह को व्यापार समझता है, अपने बेटे को एक व्यापार का माध्यम कि इसके माध्यम से मैं बहुत पैसा घर में कमा लूंगा, विवाह में इसके ले लूंगा, इस तरह का व्यक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इस एकांकी का उद्देश्य क्या हो सकता है, लिखिए। इस एकांकी का उद्देश्य है समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में जो लड़के और लड़की में असमानता का भाव है उसको दूर करना, उसको हटाना, समाज को एक दिशा निर्देश देना कि आज की लड़कियां उमा के जैसी होनी चाहिए। समाज में महिलाओं को उन्नत उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? इसमें आप हम अपने प्रयास लिखेंगे कि हम अच्छे से पढ़ूंगी, स्त्री शिक्षा के लिए जन जागृति पैदा करूंगी, समाज में अगर आपने आसपास कोई गलत कार्य होते हुए देखती हो कि कोई किसी बेटी को नहीं पढ़ा रहा है या उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो मैं उसका विरोध करूंगी, इस तरह से हम अपनी भूमिका इसमें लिखेंगे। और सारे प्रश्न आप कॉपी में करेंगे, कॉपी में प्रश्न करने के साथ अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप पर मुझे भेजेंगे ताकि मैं चेक कर सकूं। धन्यवाद।